ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। देश के कई हिस्सों में पैसेंजर ट्रेनों में तोड़फोड़ की घटनाओं में वृद्धि के बीच अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति हथौड़ा से वंदे भारत ट्रेन की खिड़की का शीशा तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि यह घटना कहां और कब हुई। इस बीच वीडियो वायरल होने पर लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह वीडियो ऐसे समय वायरल हो रहा है जब देश भर में ट्रेनों में तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई हैं। रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि राजस्थान के अजमेर जिले में मालवाहक गलियारे की पटरियों पर दो सीमेंट ब्लॉक रखकर एक भरी हुई मालगाड़ी को पटरी से उतारने का प्रयास किया गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स हथौड़े से वंदे भारत के कांच को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शख्स इतना बेखौफ है कि वह इस कारनामे का वीडियो भी बनवा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि शख्स को ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं रहा, लेकिन इस समय देश में कई सारी रेलगाड़ियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को कुछ बदमाशों ने डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की पटरियों पर सीमेंट के दो ब्लॉक रख दिए। एक मालगाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि यह घटना कॉरिडोर के फुलेरा अहमदाबाद खंड पर हुई। इस वक्त देश में वंदे भारत को लेकर कई लोग रेलवे के दुश्मन बने हुए हैं। यह पहला मामला नहीं है जब वंदे भारत को नुकसान पहुंचाया गया हो। इससे पहले भी कई इलाकों में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटनाएं हो चुकी हैं।